नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आपका स्वागत है योग रीति में। आज के अभ्यास की शुरुआत हम सुखासना से करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठ जाएं, पीठ सीधी और आंखें बंद। दोनों हाथों को अपने पैर पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर, और नेचुरली सांस लेते रहें। और अब हम अपना ध्यान अपनी ओर केंद्रित करेंगे। सारे टेंशन को भूलकर अपना ध्यान योग की तरफ लाएं। सांस लेते रहें और अपने बॉडी को टेंस ना करें। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलें और अपने हाथ को अपने बगल में रखें, हथेलियां नीचे की ओर। और अब हम साइड स्ट्रेच करेंगे। अपने बाएं हाथ को नीचे रहने दें और अपने दाएं हाथ को उठाएं और उसे अपने सिर की बाईं ओर रखें, कान के थोड़ा सा ऊपर। और अब अपने गर्दन को दाईं तरफ झुकाना शुरू करें। अपने दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ गिराएं और सांस लेते रहें। ध्यान रहे, हम अपने दाएं हाथ से अपने सिर पे भार नहीं डालेंगे। हमारा दाया हाथ सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच देने के लिए इस्तेमाल होगा। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपना पूरा भार अपने बाएं हाथ पे नहीं डालेंगे। नेचुरली सांस लेते रहें। और अब अपने दाएं हाथ को नीचे ले आए अपने बगल में। और अब हम ये सेम स्ट्रेच अपनी दूसरी ओर करेंगे। बहुत ही धीरे और आराम से अब अपने बाएं हाथ को उठाएं और अपने बाएं हाथ को अपने सिर के दाएं ओर रखें, कान के थोड़े से ऊपर। और अब अपने सिर को अपनी बाईं ओर झुकाएं। आपके बाया कान आपके बाएं कंधे के पास आएगा। और नेचुरली सांस लेते रहें। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि हमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अपने गर्दन पे नहीं डालना है और हमारा बाया हाथ सिर्फ एक्स्ट्रा स्ट्रेच के लिए है। सांस को ना रोकें, सांस रोकने से आपकी बॉडी टेंस्ड हो जाएगी। नेचुरली सांस लेते रहें और अब बहुत ही धीरे से अपने बाएं हाथ को नीचे ले आएं और अपने सिर को सेंटर पे ले आएं। और अब हम अपने शरीर के बीचले हिस्से को स्ट्रेच करेंगे। धीरे से हम अपने दाएं हाथ को उठाएंगे, आपकी हथेलियां नीचे की ओर। और जब आपका हाथ आपके कंधे के बराबर आ जाए तो धीरे से अपने हथेलियों को ऊपर की ओर मोड़ेंगे और अपने हाथ को बिल्कुल ऊपर उठा लेंगे। और अब धीरे से अपने शरीर को बाईं तरफ झुकाना शुरू करेंगे। ऐसा करते वक्त आपका बाया हाथ मुड़ेगा। अपने दाएं हाथ को और बाएं तरफ स्ट्रेच करें और अपनी दाएं तरफ स्ट्रेच फील करें। सांस लेते रहें और इस क्रिया का आनंद उठाएं। सांस भरते वक्त
हम अपने हाथ को और स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ उतना जितना हमें कंफर्टेबल लगे। हमें कभी भी अपने शरीर को बहुत ज़्यादा नहीं पुश करना है। और अब बहुत ही धीरे अपने दाएं हाथ को नीचे की ओर लाएं, बहुत ही धीरे और हर एक मूवमेंट पे ध्यान देते हुए। एक बार आपका हाथ आपके कंधे के बराबर आ जाए तो हथेलियों को नीचे की ओर मोड़ के अपने हाथ को पूरी तरह नीचे ले आएं। हम अपने हाथों को नीचे लाते वक्त अपने ब्लड सर्कुलेशन को हाथों में फील करेंगे। और अब हम ये सेम स्ट्रेच दूसरी ओर करेंगे। तो सांस लेते हुए हम धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को उठाएंगे और एक बार आपका हाथ आपके कंधे के बराबर आ जाए तो हथेलियों को ऊपर की ओर मोड़ेंगे और अपने हाथ को पूरी तरह ऊपर उठा लेंगे। और अब अपने शरीर को दाईं ओर झुकाना शुरू करें। आपका बायां हाथ आपके कान के बराबरी में और आप अपने बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं ओर स्ट्रेच करेंगे। ऐसा करने से आपको अपनी दाएं ओर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा। और हम सांस लेते रहेंगे। ध्यान रहे ऐसा करते वक्त आपका दाहिना कोहनी शायद मुड़े, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम कुछ देर और ये स्ट्रेचिंग करेंगे। अब बहुत ही धीरे से अपने हाथ को जमीन की ओर लाएं। एक बार आपका हाथ आपके कंधे के बराबर आ जाए तो हथेलियों को नीचे की ओर करें। और अब हम व्याघ्र श्वास के लिए तैयार होंगे। बहुत ही धीरे और आराम से अपने दोनों घुटनों को जमीन पे ले आएं। घुटने की दूरी एक बाह के बराबर होगी और अपने दोनों हथेलियों को अपने घुटने से एक बाह की दूरी पे आगे रखें। उंगलियां पूरी तरह खुली होंगी, आपकी पीठ सीधी रहेगी। और अब सांस लेते हुए अपनी कमर को नीचे झुकाएं और सामने की ओर देखें। और सांस छोड़ते वक्त अपने पेट को अंदर सिकोड़ते हुए पीठ को ऊपर की तरफ धकेलें। ये हम कुछ बार और करेंगे। सांस लेते हुए कमर को नीचे झुकाएं और सामने की ओर देखें। और सांस छोड़ते हुए अपने पीठ को ऊपर की ओर धकेलें। फिर से सांस लेते हुए अपने पीठ को नीचे करके ऊपर की ओर देखें। और सांस छोड़ते वक्त पीठ को ऊपर की ओर धकेलें। एक और आखिरी बार हम करेंगे, बहुत ही धीरे और आराम से। सांस लें, कमर नीचे, और सांस छोड़ते वक्त पीठ ऊपर की तरफ धकेलेंगे। और अब अपनी पीठ को सीधी कर लें। और अब अपनी कमर को जमीन पे रखें, दोनों पैर को सामने लाएं और तलवे को एक दूसरे से जोड़ लें। अपने तलवे और अपने शरीर के बीच में एक मुट्ठी का फर्क रखें। और अब आप अपने दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ के बद्धकोण आसना में हम आएंगे। पीठ को सीधी रखें, वाली सांस लेते रहें। अपने पीठ को जितना हो सके सीधा रखने की कोशिश करेंगे। इस आसन को बद्धकोण आसना या बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। ध्यान दीजिए कि कई लोगों के लिए पीठ को सीधा करना बहुत ही मुश्किल होगा। पीठ पे एक नेचुरल कर्व आएगी। कोशिश करें कि पीठ को सीधा हम रखें। अपने शरीर पे कोई भी प्रेशर ना डालें। और ध्यान रहे
हम बहुत ही धीरे धीरे और सरल तरीके से योग में आगे बढ़ेंगे, बिना अपने शरीर को कुछ भी नुकसान पहुंचाए। और अब हम अपना ध्यान अपने घुटने की ओर लाएंगे। ध्यान दें, बहुतों के लिए घुटने को जमीन पर पूरी तरह लाना डिफिकल्ट होगा और उनका घुटना जमीन से काफी ऊंचा होगा। अगर ऐसा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपने शरीर पे कोई ज़्यादा जोर डाल के घुटने को नीचे लाने की कोशिश ना करें। घुटना नेचुरली जितना हो सके बाहर की ओर रहेगा। अपने बॉडी को हम रिलैक्स रखेंगे और सांस लेते रहें। और अब बहुत ही धीरे धीरे हम अपने पैरों को ऊपर नीचे की ओर हिलाना शुरू करेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़े रहें, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। और नेचुरली अपने पैरों को ऊपर नीचे बहुत ही आराम से और समझदारी से हिलाते रहें। ऐसा करने से आपके हिप में नेचुरली फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। कोशिश करें कि आपका चेहरा टेंस ना हो, एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने शक्ल पे रखें और सांस लेते रहें। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर अपना समय अपने डेस्क पे बिताते हैं, कंप्यूटर में काम करते हुए। उन लोगों के कमर और पीठ में नॉर्मली बहुत जकड़ आ जाती है। इस बद्धकोण आसना से उनके कमर और पीठ पे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और ये एक ऐसा आसन है जो कोई भी कर सकता है। इस आसन को सभी बड़ों को भी करने के लिए बोलिए, उनके लिए काफी लाभदायक होगा। और अब अपने पैर को हिलाना बंद करें और अपने दोनों हाथ की मदद से अपने घुटने को ऊपर की ओर लाएं और अपने तलवे को जमीन पर ले आएं। और अब हम अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे। आराम से बिना हड़बड़ी के अपने मैट पे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैर को एक साथ करें और अपना हाथ अपनी कमर पे रखें। पीठ को सीधी रखेंगे और ध्यान रहे अपने घुटने को हम लॉक नहीं करेंगे, अपने घुटने को हल्का सा मोड़ कर रखेंगे। अब अपने दोनों हाथ को अपने कंधे के बराबर उठाएं और सामने ले आएं। आपकी हथेलियां एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। एक लंबी सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते वक्त अपने दोनों हाथों को फैलाएं। आपका हाथ आपके कंधे के बराबरी पे होगा और आपकी उंगलियां पूरी तरह फैली हुई। सांस लेते वक्त फिर से अपने हाथों को सामने लाएं, हथेलियों को जोड़ें और सांस छोड़ते वक्त अपने हाथों को फिर से फैलाएं। ध्यान रहे हाथ को फैलाते वक्त अपनी छाती को बहुत ही ज़्यादा आगे की तरफ ना धकेलें। और अब हम ये 3 बार और करेंगे। सांस लेते हुए अपने हाथों को सामने लाएं और सांस छोड़ते वक्त उन्हें फैलाएं। एक बार अपनी स्क्रीन की ओर देखें
मैं यहाँ अपनी छाती को बहुत फैला रही हूँ। ऐसा हमें नहीं करना है, इस बात का ध्यान हमेशा दें। कहीं भी हमारे बॉडी में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। अब बहुत ही धीरे से अपने हाथों को फिर से सामने की ओर जोड़ें और सांस छोड़ते वक्त अपने हाथों को फैलाएं। यह हमारे कंधों के लिए काफ़ी लाभदायक है। सांस लें, हाथों को जोड़ें और सांस छोड़ते वक्त हाथों को फैलाएं। और अब अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएं। अब दोनों अपने हाथों को अपने छाती पे ले आएं, अपने अंगुलियों को इंटरलॉक करके। आपकी दोनों हथेलियां आपके छाती पे रहेंगी। आपका पैर अभी भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अब हम अपने हाथों को फिर से स्ट्रेच करेंगे। सांस भरते हुए अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। आपकी हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और सांस छोड़ते वक्त अपने दोनों हाथों को फिर से अपनी छाती पे ले आएं। कईयों के लिए हाथ को पूरी तरह ऊपर उठाना मुश्किल हो सकता है। वो अपने हाथ को जितना हो सके उतना ही उठाएं, कोई प्रेशर ना डालें। आप अपनी स्क्रीन की ओर एक बार देख सकते हैं। सांस भरते हुए हम अपने हाथों को उठाएंगे और हमारा हाथ या तो फिर पूरी तरह ऊपर उठेगा या फिर आधे तक। जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा ही अपने हाथ को उठाएं, कोई प्रेशर ना डालें। और सांस छोड़ते वक्त फिर से अपने हाथों को अपने छाती पे ले आएं। और अब फिर से सांस लेते हुए अपने हाथ को ऊपर की ओर करेंगे और सांस छोड़ते वक्त नीचे ले आएंगे। अब ये हम अपनी गति से करते रहेंगे। ध्यान रहे, हाथ को ऊपर करते वक्त अपने अंगुलियों पे बहुत ज़्यादा जोर ना डालें। आपकी हथेलियाँ बिल्कुल फ्लैट रहेंगी। और इस बात का भी ध्यान दें कि सांस लेते वक्त हम अपने हाथों को उठाएंगे और सांस छोड़ते वक्त अपने हाथों को नीचे लाएंगे। और अब धीरे से अपने हाथों को छाती से नीचे की ओर ले आएंगे। रिलैक्स। और अब हम ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे अपने दोनों पैरों को अपने मैट के बराबरी पे ले आएं। और अब हम अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने छाती के पास लाएंगे, अपने हाथ को अपने कंधे के बराबरी पे और हथेलियां नीचे की ओर। पीठ सीधी रखेंगे और एक लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते वक्त अपने दाएं तरफ मुड़ेंगे। ध्यान रहे, हम अपने कमर से ट्विस्ट करेंगे और अपने पैरों को बिल्कुल भी नहीं मोड़ेंगे। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन की तरफ देखें। यहाँ पे मैं मुड़ते वक्त अपने पैरों को भी बेंड कर रही हूँ। ऐसा हमें नहीं करना है। जनरली लोग मुड़ते वक्त अपने दोनों पैरों को भी मोड़ लेते हैं। ध्यान रखना है कि हमें कमर के नीचे कोई मूवमेंट नहीं लाना है। एक बार फिर सांस लेते हुए हम सामने की ओर देखेंगे और सांस छोड़ते वक्त हम अपनी दाईं ओर मुड़ेंगे। अपनी गर्दन को या तो फिर अपने बगल या पीछे की ओर देखेंगे। गर्दन को उतना ही मोड़े जितना कंफर्टेबल फील हो। सांस लेते हुए फिर से सेंटर पे आएंगे और सांस छोड़ते वक्त बाईं ओर मुड़ेंगे। सांस लेते हुए फिर से सामने की ओर और सांस छोड़ते वक्त दाईं ओर मुड़ेंगे। सांस लेके बीच पे आएं और सांस छोड़ते वक्त बाएं। ये हम कुछ बार और करेंगे अपनी गति से।
सांसों को सिंक्रोनाइज्ड रखें, सांस देते वक्त बीच में और सांस छोड़ते वक्त दाएं या बाएं ओर मुड़ेंगे। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएं, अपने पैरों को एक साथ ले आएं, और अब हम अपने मैट पर बैठेंगे। और अब हमारा अगला आसन दंडासना होगा। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं और अपने पीठ को सीधा करने की कोशिश करें। ध्यान दें कि कईयों के लिए पीठ को सीधा करना बहुत ही मुश्किल होगा। वो अपने घुटने को थोड़ा मोड़ सकते हैं। घुटने को बेंड करते ही आपकी पीठ नेचुरली स्ट्रेट हो जाएगी। अपने दोनों हाथों को अपने कमर के पास रखें और अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने पीठ को और सीधा करने की कोशिश करें। सांसों को ना रोकें और अपनी बॉडी को टेंस ना करें। और अब बहुत ही धीरे से हम अपने पीठ को ज़मीन पर लाकर मैट पर लेट जाएंगे। अपने पैरों को आगे की ओर फैलाएं, अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ज़मीन की ओर, और अपनी गर्दन पे बिल्कुल भी जोर ना डालें। और अब अपना ध्यान अपने पैरों पर लाएं। अब सांस भरते हुए अपने दाएं पैर को उठाएं, सिर्फ उतना जितना कंफर्टेबल लगे, और सांस छोड़ते वक्त अपने पैरों को नीचे करें। ध्यान रहे हमारी नज़र ऊपर की ओर होगी, हम अपने पैरों को देखने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा करने से आपके गर्दन पे प्रेशर बनेगा। और अब सांस लेते हुए अपने पैर को फिर से ऊपर लाएं और सांस छोड़ते वक्त दाएं पैर को नीचे करें। सांस लेते वक्त ऊपर लाएं और छोड़ते वक्त नीचे। हम ये अपनी गति के अनुसार करेंगे। अपने दाएं पैर को नीचे ही रहने दें अब, और हम ये बाएं ओर करेंगे। सांस भरते हुए अपने बाएं पैर को उठाएं और सांस छोड़ते वक्त अपने बाएं पैर को नीचे ले आएं। ऐसा करते रहें अपनी गति के अनुसार। अपने नेक पे कोई प्रेशर ना डालें। हर बार सांस लेते हुए अपने पैर को ऊपर लाना है और सांस छोड़ते वक्त नीचे। इस बात का भी ध्यान रहे कि एक पैर उठाते वक्त दूसरा पैर हमेशा ज़मीन से बने रहेगा। ऐसा हम कुछ देर और करेंगे। एक और आखिरी बार सांस लेते हुए हम अपने पैर को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते वक्त अपने पैर को नीचे लाएंगे। अब अपने दोनों घुटने को मोड़कर अपने तलवे को जमीन पर रखें
और अपने दोनों हाथों को बाहर की ओर फैलाएंगे, हथेलियां जमीन पे। और अब हम एक लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते वक्त दोनों पैर को अपनी दाईं ओर गिराएंगे। सांस लेते वक्त फिर से अपने दोनों घुटनों को उठाएंगे और सांस छोड़ते वक्त अपने दोनों पैरों को अपनी बाईं ओर झुकाएंगे। ऐसा करते रहें अपनी गति के अनुसार। ध्यान रहे हमें पैरों को दाईं या बाईं ओर झुकाते वक्त बहुत जल्दी अपने पैरों को नहीं गिराना है। ऐसा करने से हमारे घुटनों को चोट पहुंच सकता है। हमें बहुत ही आराम से और समझदारी से इन आसनों को करना है। हर एक बार सांस लेते वक्त अपने घुटनों को ऊपर की ओर लाएंगे और सांस छोड़ते वक्त दाईं या बाईं ओर गिराएंगे। अपने कोर को इंगेज रखेंगे और अब हम अपने आप को अपने फाइनल आसना यानी शवासना के लिए तैयार करेंगे। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं और अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर। आंखों को बंद करें और नेचुरली सांस लेते रहें। हमें अपने आंखों पे कोई जोर नहीं डालना है। और अब हम 2 मिनट शवासना में रहेंगे और अपने मन को शांत और एकाग्र करने की कोशिश करेंगे। सारे टेंशन को भूल जाएं और शवासना का आनंद उठाएं। आंखों को बंद रखें और सांस लेते रहें। बहुत ही धीरे धीरे अपनी अंगुलियों को हिलाएं और अपने दोनों पैरों को पास लाएं। अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर
और एक लंबी स्ट्रेच लेंगे और अब अपने दोनों घुटनों को मोड़कर अपनी दाईं ओर मुड़ जाएं। अपनी दाईं हाथ की मदद से सुखासना में आएं। अपनी आंखों को बंद ही रखें, दोनों हाथों को अपने पैर पर रख के हथेलियां ऊपर की ओर, और अब हम दो लंबी सांस लेंगे। नाक से लंबी सांस भरें और अब अपने मुंह से हम सांस छोड़ेंगे। एक और बार लंबी सांस अंदर भरें और अपने मुंह से सांस छोड़ेंगे हम। अपने दोनों हाथ को जोड़कर अपने छाती के पास लाएं और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में मलें। अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखें और अब अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लाकर धीरे से आंख खोलते हुए अपने हथेलियों की ओर देखें। नमस्ते। आशा करती हूँ कि आपको ये दूसरा दिन पसंद आया हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। अपने कोई भी सुझाव को आप कमेंट द्वारा मुझ तक पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद।